Hi guys, welcome again. I'm J.S. Yadav. Let's get started today with the vocabulary part. आज हम वोकैबुलरी को और याद करते हैं, आगे चलते हैं, पढ़ना देखना समझना शुरू करते हैं वोकैबुलरी को। और ये वर्ड्स मैंने आज मैं वर्ड्स याद कराने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में शायद मैंने आपको कुछ ईडियम्स याद कराए थे, आज कुछ वर्ड्स की मैं बात करूँगा और चीज़ों को आज मैं ऐसे याद कराऊंगा आपको। आई विल हेल्प यू मेमोराइजिंग द वर्ड्स इन सच अ वे दैट यू वुड नॉट फॉरगेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इन्हें आप पूरी जीवन नहीं भूल पाएंगे जब तक आप इन वर्ड्स को अपने सॉफ्टवेयर से डिलीट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्या करने जा रहा हूँ मैं स्टार्ट करूं, ट्रिक्स देना शुरू करूं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि यू गाइज आंसर रिप्लाई टू मी, थोड़ा बताएंगे मुझे कि मिसकंस्ट्रू वर्ड का क्या मतलब होता है। बताएं मुझे मिसकंस्ट्रू जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। आप इसे कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। आप चीज़ों को ऐसे याद करेंगे और हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये वर्ड अभी इनमें आएगा और मैं इसे याद करूंगा। चलिए मैं स्टार्ट करूं चीज़ों को बताना। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं इनके एक्चुअल प्रोनंसिएशंस थोड़े से अलग हो सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं दोनों तरह के प्रोनंसिएशंस आपको बताऊंगा, दोनों ही तरह के मैं उच्चारण आपको बताऊंगा, प्रोनंसिएशंस बताऊंगा। एक जो उसका एक्चुअल करेक्ट प्रोनंसिएशन है जो वर्ड बोर्ड पर लिखा हुआ है, और दूसरा मैं आपको थोड़ा सा निमोनिक ट्रिक की वजह से, थोड़ा सा उसे याद कराने की वजह से वर्ड को तोड़ मरोड़ कर पढ़ना सिखाऊंगा। वो हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, तो मेक श्योर मैं दोनों ही तरह के प्रोनंसिएशन आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए बोर्ड पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं गाइज, ये जो शब्द लिखे हुए हैं इन्हें आप लिख लें। आई विल बी आउट ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चलते हैं। चलिए एक एक करके याद करना शुरू करते हैं। अभी हम देखेंगे मिसकंस्ट्रू भी हमारी लिस्ट में आएगा, और सबसे पहले चलते हैं देखते हैं पहला वर्ड लिखा गाइस ग्लम। क्या लिखा है? ग्लम। जी हाँ, इसका यही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है ग्लम। याद करने के लिए मैं चाहता हूँ गाइस कि आप लेटर एल को जरा साइलेंट करें, लेटर एल को साइलेंट करें और वर्ड को प्रोनाउंस करें। क्या बचेगा, क्या क्या बनेगा, क्या प्रोनाउंस होगा, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका एल को साइलेंट करने पर? जी बिल्कुल सही कहा आपने, गम होगा। क्या होगा? गम। अब आप बताओ ऐसा कोई बंदा जिसे गम हो भला वो क्या होगा? जाहिर सी बात है जिसे गम होगा वो दुखी होगा, निराश होगा। तो बिल्कुल यही मतलब इस वर्ड का। अगर मैं कहूं कि टॉम इज ग्लम, जॉन इज ग्लम, जूली इज ग्लम, ही इज ग्लम, तो ही इज ग्लम क्योंकि उसे है गम। तो ग्लम का मतलब क्या निकला गाइस? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही समझा, दुखी और निराश, डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड। गॉट द पॉइंट? चलिए अब याद करते हैं नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है डिसिपेट। क्या पढ़ते हैं इसको? डिसिपेट। इसका यही प्रोनाउंसिएशन है, बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन है इसका, सही उच्चारण है ये डिसिपेट। तो डिसिपेट क्या होता है चलिए देखें। इसे याद करने के लिए गाइज मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई इस वर्ड को याद करने के लिए। इसमें एक व्यक्ति होता है, एक बंदा होता है और जिम जाता है। जिम के कोच से जाकर कहता है कि ब्रदर आई वांट टू डिसिपेट दिस पेट, मैं इस पेट को डिसिपेट करना चाहता हूं। तो क्या समझ आया आपको? जिम जाकर वो व्यक्ति कोच से कहता है, जिम के कोच से कहता है कि मैं इस पेट को डिसिपेट करना चाहता हूं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मैं इस पेट को कम करना चाहता हूं, रिड्यूस करना चाहता हूं या पूरी तरह से खत्म गायब करना चाहता हूं। इज दैट क्लियर? तो रिमेंबर द की कील टैग, जो की सेंटेंस मैंने आपको बताया, की ट्रिक जो आपको बताई मैंने, क्या? डिसिपेट, ऑलवेज डिसिपेट दिस पेज। तो इस वर्ड का मतलब हुआ कम करना, खत्म करना या गायब कर देना, इसको बोलेंगे रिड्यूस, डिक्रीज और डिसअपियर। डिड आई मेक इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं क्या लिखा है। विचुपरेट। जी हाँ गाइज, इसको यही प्रोनाउंस करते हैं, इसी तरह से इसे पढ़ा जाता है, विचुपरेट, विचुपरेट। बट मैं चाहता हूं इस पूरे वर्ड को आप ना पढ़ें, आप सिर्फ इतना ही पढ़ें जितना मैंने अंडरलाइंड, ये जो अंडरलाइंड कर दिया ये अंडरलाइंड वर्ड, उतने पार्ट को आप पढ़ेंगे। इस पूरे वर्ड को प्रोनाउंस किया था विचुपरेट, लेकिन मैं चाहता हूँ जो पार्ट अंडरलाइंड है आप सिर्फ उसे प्रोनाउंस करें। तो सिर्फ ये जो इतना लिखा हुआ है, अगर पूरा वर्ड विचुपरेट होता तो ये क्या होगा गाइज? क्या होगा? चुप रहे, चुप रहे, राइट? जी हाँ, ये ट्रिक है याद करने की। तो सोचो आप कहीं किसी पार्टी में है, किसी क्लास में है, कोई मीटिंग है, बहुत सारे लोग वहाँ गैदर्ड हैं, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हैं, और वहीं पर कोई बंदा, कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे आकर कहता है कि चुप रहे, हाँ क्या चुप रहे? तो सोचो बताओ वो आपको प्यार कर रहा है, डांट रहा है? जाहिर सी बात है डांट रहा है, राइट? और डांट ही नहीं रहा, जब वो इतने लोगों के बीच में आपको डांट रहा है तो जाहिर सी बात वो डांट ही नहीं रहा, आपकी इंसल्ट भी कर रहा है। तो विचुपरेट वर्ड का ये मतलब होता है चुप रहे, चुप रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे आकर कहता है चुप रहे, तो विचुपरेट में लिखा है छिपा है, चुप रहे, और इसका मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना या इंसल्ट करना, टू स्कोल्ड और टू इंसल्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जुरेट। क्या वर्ड लिखा? ऑब्जुरेट। ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ऑब्जुरेट, ये एडजेक्टिव होता है। सॉरी गाइस, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू पीपल, ग्लम, ग्लम एक जो है एडजेक्टिव होता है, डिसिपेट इज अ वर्ब, ठीक है, विचुपरेट जो मैंने आपको बताया ये भी वर्ब होता है, और अब बात करते हैं ऑब्जुरेट। ऑब्जुरेट एक एडजेक्टिव होता है। इसे याद करने के लिए मैं थोड़ा सा इसे घुमा फिरा कर थोड़ा सा गलत पढ़ रहा हूं, अब जो रेट, अब जो रेट,
मैं एक वेजिटेबल सेलर था, एक सब्जी वाला, एक फ्रूट वाला है, मैं ये भी जो भी मैं कहानियाँ बता रहा हूँ दे आर नॉट एक्चुअली ट्रू। वो जब सिर्फ मैं निमोनिक बना रहा हूँ इन्हें याद करने के लिए आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ। तो मैं एक सब्जी वाले के पास जाता हूँ और उससे जाकर कहता हूँ कि भाई ये सब्जी थोड़ा सा सही रेट कर लो, मैं बार्गेनिंग करता हूँ कि ये चीज़ मुझे दे दो। ना जाने उस दिन उसका क्या मूड था, कैसा था, वो सही मूड में नहीं था, अपसेट था। उसने कहा अब तुम्हें जो रेट लगाना लगाओ, मैं सब्जियाँ नहीं दूंगा। अब जो रेट लगाना लगाओ, मैं सब्जियाँ आपको नहीं दूंगा, मैं फल आपको नहीं दूंगा। तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है, आप जो रेट लगाना लगाओ मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो है ऑब्जुरेट। ऑब्जुरेट का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल, एडमेंट, स्टबर्न, रिजिट। ठीक है, अब जो रेट लगाना लगाओ, अब जो रेट लगाना लगाओ, लेकिन मैं चीजें नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऑब्जुरेट हूं, जिद्दी हूं, अड़ियल हूं। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे क्या लिखा हुआ है गाइस, सैक्रोसेंट। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है समझेंगे जरा, सैक्रोसेंट। इसमें जो लेटर सी होता है, ये सी सी का साउंड, यहां सी है ना, ना ही का, यहाँ लेटर सी कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है सैक्रोसेंट, लेकिन मैंने इसे याद करने के लिए क्या पढ़ा, ध्यान से समझना, सैकड़ों संत। क्या पढ़ लिया गाइस मैंने, सैकड़ों संत। तो ऐसा कोई मुद्दा, ऐसी कोई बात जिसके लिए सैकड़ों संत एक साथ हो गए हो, एकजुट हो गए हो, इकट्ठा हो गए हो, ऐसी बात कैसी होगी। जाहिर सी बात है वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वैल्यूबल होगी, मुद्दा बड़ा बड़ा होगा, अहम होगा। तो सैक्रोसेंट जिसे मैंने क्या पढ़ा, सैकड़ों संत, याद रखेंगे ये किसी प्लेस, किसी पर्सन, जगह के लिए कहा जाता है कि दिस इज अ वेरी सैक्रोसेंट प्लेस। तो हम क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल, वेरी इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल, बड़ा महत्वपूर्ण और अहम, उसे बोलते हैं सैक्रोसेंट। याद रखेंगे ट्रिक, सैकड़ों संत। अगला देखेंगे परसिक्यूट, क्या लिखा है, परसिक्यूट, परसिक्यूट। याद रखेंगे इस चीज को जो मैं बता रहा हूं आपको, इसे ये हमारा जो सैक्रोसेंट था वो हमारा एडजेक्टिव था, अब बात करते हैं परसिक्यूट की। ये जो वर्ड है परसिक्यूट, ये एक वर्ब है। इस बात को अगर ध्यान से सुने आप, ये मैंने इसको पढ़ा सही है, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है परसिक्यूट है, लेकिन मैं इसे गलत पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा गलत याद कराने के लिए, परसिक्यूट, परसिक्यूट मतलब किसी व्यक्ति को आप पैर से मार पीट रहे, कूट मतलब बीट करना, टू बीट समवन, किसी को मारना पीटना। तो आप किसी व्यक्ति को अगर पैर से मारते कूटते हैं, मारते पीटते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, राइट। तो ये जो वर्ब होती है इसका यही मतलब होता है, टू ट्रीट इल, बुरा व्यवहार करना, इज क्लियर। इसको हरास भी बोलते हैं, टू अनाय भी बोलते हैं, ये वर्ब है परसिक्यूट। ये ट्रिक याद रखेंगे, परसिक्यूट का मतलब किसी को बुरी तरह ट्रीट करना, उसके साथ बुरा व्यवहार करना, हरास करना या उसे अनॉय करना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ गाइस, क्या लिखा हुआ है, इंटीमिडेट। क्या लिखा है, इंटीमिडेट। इसका यही प्रोनाउंसिएशन होता है, यही उच्चारण है, इंटीमिडेट। लेकिन याद करने के लिए मैंने कहा कि आप इसे पढ़ेंगे अंतिम डेट, रिमेंबर गाइस। वैसे तो हम इसे प्रोनाउंस करते हैं क्या, इंटीमिडेट, लेकिन मैं कह रहा हूं आप इसे प्रोनाउंस करें क्या, अंतिम डेट। तो सोचो कोई व्यक्ति, कोई बंदा तुम्हारे पास आता है और तुमसे कहता है कि भाई आज आपकी अंतिम डेट है, तो भाई तुमने तो सुनकर डर जाना है, क्यों भाई, तुम मारे गया कोई मारने आ रहा है, तुम मुझे मारोगे या कोई मारने आ रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हो कि आज मेरी अंतिम डेट है। तो जब कोई बंदा तुम्हें अंतिम डेट बोलता है तो वो तुम्हें इंटिमिडेट कर रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है मतलब क्या, वो तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है, इज अ क्लियर। तो इंटिमिडेट याद रखेंगे, अंतिम डेट, कोई तुमसे कह रहा अंतिम डेट यानी कल तक तुम रहोगे ही नहीं, तो तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, टू स्केयर और फ्राइटन, ठीक है, डराना धमकाना। नेक्स्ट वर्ड है कजोल, बड़ा सिंपल है, बड़ा अच्छा वर्ड है कजोल, कजोल इसको सही प्रोनाउंस करते हैं, यही इसका प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मैंने याद करने के लिए इसे पढ़ लिया काजोल, काजोल, बड़ा सिंपल है। अब काजोल जी को भला कौन कजोल नहीं करना चाहेगा, है अजय देवगन, सॉरी गाइस, अजय देवगन कजोल्ड काजोल, दैट्स व्हाई दे गॉट मैरिड। अजय ने काजोल को कजोल किया और उनकी शादी हो गई। तो मतलब क्या किया, मैं आपको बताता हूँ क्या किया। कजोल वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को बहलाना, फुसलाना, परसुएड कर लेना, मना लेना, स्पेशली फ्लैटरी और जो है बटरिंग करके, ठीक है, चापलूसी करके किसी को परसुएड कर लेना, मना लेना, इसका मतलब टू परसुएड, ठीक है, चापलूसी कर बहलाना फुसलाना, ये होता है कजोल। तो काजोल जी को आप करेंगे कजोल, राइट। अगला वर्ड है बकनेलियन, बकनेलियन, ये वर्ड मैं आपको आपके होमवर्क के लिए दूंगा और फिर डिस्कस करेंगे, बट आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो लिखा है 10 नंबर, जहाँ देखेंगे क्या लिखा है इसका, इसको आप मिस प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ऑन्स, ऑन्स, जी हाँ बिल्कुल वैसा जैसे आप ये वर्ड पढ़ते होंगे ऑन्स, ठीक है, ये ऑन्स अगर मैं लिखूंगा तो ये वर्ड, तो इसका यही प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन मैं क्योंकि आपको ये याद कराना चाहता हूँ तो इसके प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा घुमाकर बोल रहा हूँ। लिखा है ऑन अस, क्या लिखा गाइज, ऑन अस, हम पर, और हम सब पर क्या है, हा? हम सब पर
कोई ना कोई जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ऑन्स जो उसका सही प्रोनाउंसिएशन है, याद करने के लिए मैंने क्या कहा, याद कराने के लिए मैंने क्या पढ़ दिया, ऑन अस. और ऑनस मतलब हम पर, और हम पर क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. तो इस वर्ड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी. राइट, फाइन गाइज, चलिए आगे चलते हैं. यहाँ इंटीमिडिएट भी वर्ब था, कजोल भी वर्ब था, प्रोसिक्यूट भी वर्ब था. ठीक है, आई होप जब मैं मीनिंग बता रहा हूँ तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. बहुत ईजी होता है. तो ऑन्स वर्ड का क्या मतलब हुआ, ऑन अस, हम पर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर. फिर चलते हैं अगला वर्ड के लिए, ओ यू एस टी, इसे पढ़ते हैं ऑस्ट. ऑस्ट, यहाँ पर अगर मैं लेटर एस को साइलेंट कर दूँ, लेटर एस को, तो जरा पढ़ें क्या लिखा है, आउट. क्या लिखा गाइस, आउट. बिल्कुल ठीक है, किसी भी लीडर को उसकी पार्टी से या किसी प्लेयर को उसकी टीम से आउट कर देना, टेम्परली आउट कर देना, बाहर कर देना, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्ट बोलते हैं. तो ऑस्ट में एस लेटर को आप साइलेंट करेंगे, बन जाएगा आउट. और ही हैज बीन ऑस्टेड फ्रॉम हिज पार और डेजिग्नेशन, उसे उसके पद से या उसकी पार से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है. अगला वर्ड लिखा गाइस डिलीरियम. क्या लिखा है, डिलीरियम. यह भी वर्ब था गाइस, ठीक है. ऑन्स, ये जो ऑन्स मैंने बोला, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, ये नाउन था. अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड लिखा है डिलीरियम. क्या लिखा है, डिलीरियम. इसे याद करने के लिए अच्छी ट्रिक है, देखो, डेली जो लेता हो रम और उसे ना मिले डेली रम, तो उसे हो जाता है डिलीरियम. अब इसका क्या मतलब हुआ, डेली ना मिले रम तो होता है डिलीरियम. मैं समझाता हूँ, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वाइन लेते हैं, वो एडिक्टेड हो जाते हैं. और जिस दिन उनको उसी टाइम पर वाइन या अल्कोहल नहीं मिलता, तो बहुत बेचैन और परेशान हो जाते हैं. और ये बात सिर्फ अल्कोहल की नहीं गाइस, इट इज़ फॉर एवरीथिंग. इफ़ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग एंड यू डोंट गेट इट व्हेन यू नीड इट, यू एक्चुअली गो क्रेज़ी अबाउट इट. राइट, तो वही चीज़ यहाँ पर है. यहाँ हम बात कर रहे हैं डेली ना मिले रम तो आप हो जाएंगे डिलीरियम. ये एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. फिर से, एक मेडिकल कंडीशन है जब व्यक्ति बहुत बेचैनी का सामना करता है, बेचैनी को महसूस करता है, उसे बोलते हैं डिलीरियम. तो ट्रिक याद रखेंगे, डेली ना मिले रम तो होता है डिलीरियम. इसका मतलब बेचैनी, परेशानी, क्या, डिस्टर्बेंस और रेस्टलेसनेस, बेचैनी, परेशानी. ठीक है, अगला वर्ड लिखा है स्कैम्पर. चलिए देखते हैं स्कैम्पर क्या होता है. इस वर्ड को याद करने के लिए थोड़ा मैं इसे ब्रेक करूंगा. स्कैम्पर, ठीक है, स्कैम्पर. ये आर को कब हम प्रोनाउंस करते हैं और कब ड्रॉप करते हैं, मेरे प्रोनाउंसिएशन की स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, एक दो आई हैं, उन पर बहुत डिटेल में बात करूंगा. कब लेटर आर को ड्रॉप किया जाता है, साउंड नहीं देता वो, कब वो शॉ साउंड प्रोड्यूस करता है, और कब वो स्ट्रांग और स्ट्रेस्ड साउंड प्रोड्यूस करता है. आई विल टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स इन माई नेक्स्ट वीडियोज. फाइन, अभी तो आप ध्यान देंगे जरा स्कैम्पर. तो भाई आप मुझे ये बताओ कि स्कैम क्या होता है. स्कैम का मतलब होता है घोटाला. क्या होता है गाइस, घोटाला. और घोटाला करने पर कोई क्या करता है, भाग जाता है. तो बिल्कुल वहीं से आप याद कर लेंगे इसे, स्कैम करने पर, घोटाला करने पर अब तो भागना पड़ेगा. तो व्हेन समबडी स्कैम्पर्स, इसका मतलब है टू रन अवे, भाग जाना, ये एक वर्ब है. राइट गाइस, घोटाला करने पर, स्कैम करने पर, तुम करो स्कैम्पर. चलिए अगला देखते हैं. ये वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन जो सही होता है वो था ग्लटन. ग्लटन, ग्लटन, ठीक है, ग्लटन होता है, ग्लटन. बहुत सही प्रोनाउंसिएशन का ये होता है, क्या, ग्लटन. लेकिन मैं इसे याद कराने के लिए गलत पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ग्लटन, ग्लटन. राइट, इसे याद करने के लिए ऐसा जो व्यक्ति गले तक खा जाता हो, टनों खा जाता हो, बहुत खा जाता हो, उसे बोलते हैं ग्लटन. और सही प्रश्न है ग्लटन, ग्लटन. तो ये क्या हुआ, वन हु ईट्स टू मच नाउन हमारा, ये वर्ब थी, ये नाउन है, क्या, वन हु ईट्स टू मच, बहुत ज़्यादा खाने वाला, गले तक टनों खा जाएगा. अगला देखते हैं क्या लिखा है. इसका सही प्रोनाउंसिएशन गाइस, वेरोलेंट, वेरोलेंट, वाई नहीं है, वेरोलेंट नहीं है, वेरोलेंट. अब देखिए इसमें ये की है हमारे पास, ये हमारे पास की हो जाएगा. इसमें वायरस वर्ड से लिया गया, हमने ले लिया वी आई आर यू वायरस. ये एक ऐसी चीज़ है जो खुद में ही वायरस लेकर आती है, वायरस लेकर. और ऐसी कोई चीज़ जिसमें वायरस हो, भला वो कैसी होगी, बहुत हानिकारक होगी, बड़ी नुकसानदायक होगी. तो वेरुलेंट जो वर्ड होता है, ये हार्मफुल, इसका मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है, पॉइजनस, इंजूरियस का मतलब होता है खतरनाक, नुकसानदायक. तो वेरुलेंट का मतलब क्या हुआ, हार्मफुल, इंजूरियस, क्योंकि वायरस लेकर ये खुद में ही आता है. राइट, ये एडजेक्टिव होता है. अब हम आगे चलते हैं. अगला लिखा सब्जुगेट. क्या लिखा गाइस, सब्जुगेट. ये हमारा वर्ब होता है, वर्ब. अब इसका मतलब क्या होता है, याद करने के लिए बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं तो देखें कैसे याद करें, हमेशा याद रह जाए चीज़ें. ये सब्जुगेट याद रखेंगे, ये कुछ ऐसा कि तुम सब जगह ये बात गाते घूमते हो, सब जगह तुम ये बात गाते घूमते हो कि तुमने ये सब्जुगेट, तुमने उस बंदे को सब्जुगेट कर लिया है.
तो सब्जुगेट करने का मतलब होता है किसी को अपने अधीन कर लेना, किसी को हरा देना या किसी को जीत लेना। भाई हरा कर आए हो, जीत कर आए हो, तभी तो ये बात सब जगह गाते घूमते हो। इट्स अ वर्ब। तो सब्जुगेट वर्ब का मतलब क्या हुआ, सब्जुगेट वर्ड का मतलब क्या होगा गाइस? क्या टू कॉन्कर, टू ट्रायम्फ जीत लेना, और टू डिफीट हरा देना, ठीक है ना? तो कॉन्कर ट्रायम्फ जीत लेना या किसी को हरा देना, टू डिफीट, समझ आ रही ना बात? हरा या ऑपोजिट नहीं है, हरा देना मतलब जीत लेना ही होता है। सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं गाइस, सिनोनिम्स, ठीक है। आगे क्या लिखा है, मिसकंस्ट्रू, मिसकंस्ट्रू। अब इस वर्ड का क्या मतलब होता है, जो मैंने पूछा था आपसे, ध्यान रखेंगे जरा, इसको याद करने की ट्रिक समझे। मिसकंस्ट्रू इसका सही है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मैं थोड़ा सा गलत पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे। क्या लिखा है, मिसकंस्ट्रू। मैंने कहा ना जाने कौन सी एक ट्रू बात मैंने मिस कर दी, जो मैं उसकी सारी बातों को मिसकंस्ट्रू कर गया। मिसकंस्ट्रू वर्ब होती है, सुना मैंने क्या कहा, ना जाने कौन सी ट्रू बात मैंने मिस कर दी, जो मैं उसको मिसकंस्ट्रू करने लग गया। कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ बता रहा है, तुम उसे सुन रहे हो, अचानक तुम यू गॉट प्रीऑक्यूपाइड समवेयर एल्स, कुछ और दिमाग में चलने लगा, उसकी बात पर तुम पूरा ध्यान नहीं दे पाए। तो वो कुछ बता रहा था, कोई फैक्ट था बीच में, कोई सच बात थी, ट्रू था, कोई फैक्ट था, और वो तुमने मिस कर दिया, और फिर आगे की सारी बातें तुम मिसकंस्ट्रू करने लग गए। तो ये वहीं से मैंने लिया, कौन सी ट्रू बात तुमने मिस की, जो चीज़ों को मिसकंस्ट्रू किया। इसका मतलब होता है टू मिसअंडरस्टैंड, टू मिसअंडरस्टैंड, ठीक है। वर्ब है मिसकंस्ट्रू, मतलब मिसअंडरस्टैंड। फिर लिखा है इम्पेंडिंग, ये तो बड़ा सिंपल ही एडजेक्टिव है। लिखा है आई एम पेंडिंग, पेंडिंग मतलब जो होने को, पेंडिंग है होना है, उसे थोड़ा लेट लग रहा, तो आई एम पेंडिंग एडजेक्टिव होता है, दैट इज अबाउट टू हैपन, कुछ भी जो होने वाला है, ठीक है। माई एम पेंडिंग डिपार्चर, कि मेरा जल्दी में जाने वाला हूँ, तो बोलूँ माई इम्पेंडिंग डिपार्चर एंड ऑल दैट, इम्पेंडिंग इवेंट, होने वाली घटना, एडजेक्टिव है आई एम पेंडिंग, होने वाला। अब अगला लिखा परसिमनी, परसिमनी याद रखेंगे, परसिमनी, यहाँ आर को थोड़ा सा ड्रॉप कर शॉर्ट साउंड लिया जाता है, ये चीज़ें बाद में बताऊंगा मैं। परसिमनी, मनी नहीं, मनी, मनी, परसिमनी, ठीक है। तब इसका क्या मतलब होता है, इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जब भी कभी आपने खर्च करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पर्स से मनी निकालते समय भला कैसा लगता है आपको? मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसे अपने पर्स से पैसे निकाल कर खर्च करने में बड़ी खुशी होती होगी, नहीं ना? तो पर्स से मनी निकालते समय आप बड़े अनिच्छुक होते हैं, बिल्कुल अनविलिंग, अनविलिंग होते हैं कि यार मैं खर्च करना नहीं चाहता, बट आई हैव टू डू इट ना। तो बिल्कुल वही कंडीशन ये होती है, परसिमनी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये होती है अनविलिंगनेस, एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूटिलाइज सोर्सेस, पैसों और स्रोतों को यूज़ करने के लिए बिल्कुल रुचि ना लेना, रुचिकर ना होना, अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी। फाइन गाइज, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला लिखा है ऐलान, इस वर्ड के दो प्रोनाउंसिएशन हैं, दो तरह से पढ़ा जाता है, लेकिन अभी भी पढ़ो ठीक है, ऐलान, ठीक है, ऐलान। अब आप सोचो, आपको किसी चीज़ का ऐलान करना है, ऐलान, किसी चीज़ का अनाउंसमेंट करना है, पब्लिसाइज करना, लोगों में बोलना है, तो जब किसी चीज़ का ऐलान किया जाता है तो बड़े ही जोश और उत्साह के साथ किया जाता है। तो याद रखेंगे ऐलान वर्ड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और इसका मतलब क्या होता है, एंथुजियाज्म, जील और एंथुजियाज्म, जोश और उत्साह। करना है किसी चीज़ का ऐलान तो तुम में होना चाहिए जोश और उत्साह। डिड आई मेक इट क्लियर गाइस? तो ये हुआ क्या, जोश और उत्साह, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब देखते हैं लास्ट वर्ड जो हमारे पास आज के इस वीडियो का होगा, कमिसरेट। क्या लिखा है, कमिसरेट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसे याद करने की ट्रिक, कम इस रेट से, इस रेट से भी कम में चीज़ें तुम्हें दूंगा। एक बार की बात है, मैं एक फ्रूट्स वाले के पास गया और मैं चीज़ों को फिर बार्गेनिंग करने लग गया कि भाई ये इतने का होगा और उतने का होगा, इतने का नहीं है, थोड़ा कम ज़्यादा कर लो। तो न जाने उसे क्या हुआ, और मेरे लिए तो नहीं लेकिन पास में व्यक्ति खड़ा हुआ था, वो भी बाहर था, उसे देखकर उसने कहा कि देखो भैया रेट तो इतना है लेकिन मैं आपके लिए इस रेट से भी कम कर दूंगा, आपकी हालत को देखते हुए, आप बड़े परेशान थके वो लग रहे हैं, मुझे लगता है आपके पास इतने पैसे नहीं है लेकिन जरूरत आपको फलों की ज़्यादा है, तो इस रेट से भी कम मैं आपको दे दूंगा, इस रेट से भी कम मैं आपको दे दूंगा। तो मतलब क्या कि उसकी हालत, उसकी कंडीशन को देखते हुए उस फ्रूट सेलर ने क्या किया, कमिसरेट किया, उस रेट से भी कम पर चीज़ उसे दे दी। इसका मतलब उसने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई। डिड आई मेक इट क्लियर? तो यही होता है कमिसरेट, इसका मतलब है टू शो और एक्सप्रेस सिंपथी, ठीक है, सिंपथी, सिंपैथी नहीं होता, सिंपथी। डिड आई मेक इट क्लियर गाइज? राइट। तो कमिसरेट का मतलब क्या हुआ, टू शो सिंपथी और एक्सप्रेस
sympathy. Right, guys? So thank you so very much watching this video, guys, and thank you so much for joining me. Milte hain, guys, next video mein ek next concept ke saath aur vocab. Aur ha, guys, let me tell you one thing ki aage kuch examinations aane wali, jaise SSC CGL ke exams aa rahe hain hamare, aur kai examinations hain. So I'm actually making good videos with good content for all those upcoming examinations and for spoken English and English literature. Guys, I am just requesting people to be patient enough. I'll start, you know, I'm making videos and you start getting it soon for competitive English, spoken English and your English literature. Thank you so much for watching me, and do not forget to like, subscribe to my channel, and see you guys in the next video soon. Till the time, bye bye, take care.